जो खुद में खुश नहीं है ना, वो घंटा भाई कभी खुश नहीं हो सकता है। ठीक है, जो खुद में खुश नहीं है, अपने आप को इनकम्प्लीट क्यों बना के बैठे हो? खुद में हर इंसान यूनिवर्स होना चाहिए। मैं अगर यहां बैठा हूं, मान लो मैं अकेले हूं, मैं खुश हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोशल ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपको अपने पीछे नचा रहा है, अपने इशारों पे आपका पार्टनर आपको नचा रहा है और आप बेबस की तरह, एक बेवकूफ की तरह, एक बकलोल की तरह उसके इशारों पे नाच रहे हो। आपको ही पता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी भाई करते जा रहे हो। ठीक है, मतलब उसके इशारों पे नाच रहे हो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, लाइक हो जाना चाहिए भाई, 300 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए, 300 मतलब लाइक का टारगेट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को भी शेयर करना। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म आई थी मूव ऑन, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, 3-4 दिन पहले ही आया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी है, जाके क्लिक करो, उसको भी देखना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर आपका पार्टनर आपको अपने पीछे नचा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एकदम लॉजिकल होके सोचते हैं हम लोग, भाई अगर मैं किसी को नचा रहा हूं तो वो नाच क्यों रहा है? यानी कि उसको मेरी जरूरत है, ठीक है, इसलिए वो नाच रहा है, और मैं इसलिए नचा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी कमजोरी पता है। समझ रहे हो? उसी तरह आपका पार्टनर को पता है कि आप उसको छोड़कर जाने वाले हो नहीं, ठीक है, और आपके पार्टनर को यह भी पता है कि आपको उसकी बहुत ही जरूरत है। ठीक है, इसलिए आप उसको छोड़ के जाओगे नहीं, इसलिए वो एकदम रिलैक्स है और उसको नचाने में मजा आ रहा है। एकदम एकदम सीधा सा लॉजिक है। अब आपका पार्टनर आपको किसी भी वे में नचा सकता है, ठीक है, या तो फिजिकली यूज कर रहा है, बहुत लड़के होते हैं लड़कियों को यूज करते हैं, ठीक है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करूंगा। अब इस चक्कर में लड़की भाई प्यार में आ जा रही है, लड़का जितने बार ओयो रूम बुला रहा है लड़की जा रही है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं वो इस लड़के या लड़की के हाथ में, आप समझ रहे हो, मतलब कि आपके पार्टनर के हाथ में है कि रिलेशनशिप वो चलेगा कि नहीं। ठीक है, और इस डर से कि रिलेशनशिप कहीं खत्म ना हो जाए, आप भाई बेवकूफ की तरह नाचते रहते हो। या तो आपका पार्टनर फिजिकली यूज करता है और आप फिजिकली यूज करवाते जा रही हो या करवाते जा रहे हो, ठीक है, या तो आपका पार्टनर पैसा पूरा ले रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है आप चुपचाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको खौफ है, आपको खौफ है कि रिलेशनशिप कहीं खत्म ना हो जाए, आप समझ रहे हो, मतलब कमजोरी पूरा पता है। समझ रहे हो, मुझे अगर किसी की कमजोरी पता है, मैं तो भाई कहीं भी उसको नचा सकता हूं, कभी भी नचा सकता हूं और कितने बार भी नचा सकता हूं। ठीक है, यही आप लोग गलती करते हो। अधिकतर लोग क्या है ना, मतलब अधिकतर लोग के लाइफ में खालीपन होता है। ठीक है, अब खालीपन के दौरान कोई एक शख्स मिल जाता है, ठीक है, कोई इंसान मिल जाता है, ठीक है, मान लो कि तुम लड़के हो तो कोई लड़की मिल गई, या तुम लड़की हो तो कोई लड़का मिल गया। अब भाई प्यार में चले जाते हो, अब वो आपके खालीपन में आता है, आपका पार्टनर बन जाता है। अब आपकी बदकिस्मत थी कि वो घटिया पार्टनर था, अगर किस्मत अच्छी होती तो वो जो आया आपके खालीपन में वो अच्छा होता। ठीक है, अधिकतर लोग की बदकिस्मती ही होती है कि पार्टनर ही बेकार होता है, आपको समझता नहीं है। ठीक है, अब वो भाई आपको नचा रहा है, आप डरे रहते हो कि यार ये अगर पार्टनर चला गया वापस से मेरे लाइफ में खालीपन आ जाएगा। तो आप लोग के डर, आप लोग का जो डर है ना, ठीक है, वो आप लोग पे हावी हो जाता है। इस चक्कर में कितनी लड़कियां भाई बर्बाद हो रही है फिजिकली। ठीक है, कई लौंडे भाई 5-5 साल तक सेक्स कर रहे हैं लड़कियों के साथ। ठीक है, लड़की भाई बेचारी, इनको लग रहा है लड़कियों को अधिकतर, तो अधिकतर लड़कियां इस चक्कर में बर्बाद हो रही है, उनको लगता है लड़का तो शादी कर ही लेगा, सेक्स कर रहा है तो कर ही लेगा। अच्छा, इतनी लड़कियां जो मुझे कॉल पे रोती है, ठीक है भाई, ऐसे ही भाई कम से कम आस पड़ोस भी तो पता लगाओ कि लड़कियों का हाल क्या चल रहा है, भाई बेहाल चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़के सब जबरदस्ती ही करते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब क्या बोलू, समझ जाओ भाई, मतलब अधिकतर लड़के तो होते हैं भाई, ठीक है भाई, यूज कर लेंगे छोड़ देते हैं। तो अब तो समझ जाओ जो भी लड़कियां हैं क्यों इतना मौका दे रही हो। ठीक है, फिर बहुत लोग के केस में ये भी होता है कि उनका पार्टनर उनसे पैसा लेते रहता है।
क्योंकि उसको कमजोरी पता है आपका, कि आपको डर है रिलेशनशिप कहीं खत्म ना हो जाए, इस चक्कर में आप पूरा पैसा देते रहोगे। आप समझ रहे हो, ये तो चलो फिजिकली यूज का और पैसा लेने देने का बात कर रहा हूँ। एक और यूज हो सकता है, मान लो आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है, मान लो वो ऑफिस में काम कर रहा है या कर रही है, बॉस से उसका तू तू मैं होते रहता है, या अपने कलीग से, वो सारा गुस्सा आता है और आपको फोन में सुनाता है। मतलब कहीं और का गुस्सा आपको आपको रखा हुआ है कि कॉल पे मैं उसको मां बहन करूंगा, ये भी यूज हो रहा है। समझ रहे हो, मतलब बॉस का गुस्सा, मान लो कोई लड़का है वो अपने बॉस का गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पे उतारता है, मां बहन का गाली देता है, मारता पीटता है, ठीक है, फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हो, नच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कमजोरी उसको पता है, ठीक है। अब यहां बात आती है कि साला इसका उपाय क्या है। तो भाई उपाय सोचने, इसमें उपाय क्या, सीधा सा लॉजिक है, कमजोरी मत रखो ना। कमजोरी ये कि ये ऐसे कभी अपने आप को बनाओ ही मत कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता, समझ रहे हो, फिर तो लूजर हो गए ना भाई या भाइयों की बहनें जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, फिर तो लूजर हो। मतलब आप पैदा हुए अकेले, ठीक है, ठीक है, खुद ही स्कूल गए, नर्सरी केजी 1 2 3 4 10 तक पढ़े, 11 12th भी पास किए, 12th के बाद कॉलेज गए तो कोई लड़की मिली या कोई लड़का मिला, ठीक है, मतलब उसके बाद आप सब काम अकेले किए बचपन से लेके, ठीक है, 12th तक सारा काम, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, ट्यूशन जाना सब खुद किए, लेकिन 12th के बाद, ठीक है, मतलब जो होता है 18-19 साल के बाद जो भी एज है, मतलब आप लोग अपने खुशियों की चाबी किसी एक घटिया इंसान के हाथ में दे देते हो कि ले, ठीक है, मतलब मैं खुश हूं तेरे बदौलत, ठीक है, तू मुझे छोड़ के कभी जाना मत, क्योंकि जाएगा तो मेरी फट जाएगी। मतलब सोच के देखो भाई, सोच के प्यार मोहब्बत, अच्छा ऐसी बताओ, लोग ऐसे ही मतलब प्यार मोहब्बत को ये क्यों समझते हैं कि प्यार मोहब्बत में रोना धोना ही होना जरूरी है। मेरे को एक लड़की कॉल की थी, वो मेरे को क्या बोल रही थी पता है, मतलब मेरे को ज्ञान दे रही थी कि सर सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार तो यही होता है ना कि मैं किसी के लिए रो रही हूं, मैं किसी के लिए तड़प रही हूं, मैं उसके यादों में डूबी। क्यों भाई इतना नेगेटिव क्यों सोची हो सच्चा प्यार? सच्चा प्यार मतलब होता है मैं किसी एक के लिए हूं, ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, हर सुख दुख में उसका साथ दे रहे हैं, यही है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार में रोना ही क्यों जरूरी है? अगर आपका पार्टनर आपको रुला रहा है तो प्रूव क्यों करना कि मैं सच्चा प्यार मैं कर रही हूं तो मैं जबरदस्ती इस रिलेशनशिप में रहूंगी रहूंगा, मेरा पार्टनर कितना भी घटिया है फिर भी मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कुछ महीने बस अपने पार्टनर को टाइम दो, सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो मारो पिछवाड़ा में लात। भाई जो मतलब जो खुद में खुश नहीं है ना वो घंटा भाई कभी खुश नहीं हो सकता, ठीक है, जो खुद में खुश नहीं है अपने आप को इनकम्प्लीट क्यों बना के बैठे हो? खुद में हर इंसान यूनिवर्स होना चाहिए। मैं अगर यहां बैठा हूं, मान लो मैं अकेले हूं, मैं खुश हूं, गिटार लो बजाओ, थोड़ा घूम के आओ, मूवी देख लो, कुछ लिख लो, क्या दिक्कत है भाई? और कौन बोल रहा है कि पार्टनर दूसरा मत देखो? भाई अगर आपका पार्टनर घटिया है भाई मूव ऑन करो, ब्रेकअप करो, ठीक है, एक टाइम लो, कुछ गैप लो, फिर भाई और ट्राई करो, भाई और पार्टनर ट्राई करो। अगर शादी की उम्र है तो मम्मी पापा से बात करो कि मम्मी छोड़ो मेरा ब्रेकअप हो गया, दिमाग खराब है, कोई लड़की देखो यार, कोई लड़का देखो। समझ रहे, खुश रहना भाई कोई गुनाह हो रही है, ठीक है। और ये किसने बोला है कि एकदम वही घटिया पार्टनर के साथ ही मैं खुश रहूंगा? अरे भाई किसी का शादी भी कर लेगा ना भाई, छोड़ के चला जाएगा। आती है ना लड़कियों के कॉल, लड़कों के कॉल, ठीक है, एक साल तक सही रही उसकी बीवी, सही रहा उसका पति, उसका औकात दिखा दिया। गुलाम मत बनो, ठीक है, किसी के पीछे नाचने की जरूरत नहीं है। मेरे को कितने लोग कॉल करते, सर उसकी याद आती है, मुझे पता है सर मेरा पार्टनर एकदम घटिया है, एक नंबर का फालतू आदमी है, मेरा इतना नुकसान किया, ये किया वो किया, मुझे मारता था। मैं फिर बोलता था, मैं बोलता हूं उनको तो मूव ऑन करो ना। नहीं सर मुझे उसकी याद आती है, तो भोगो फिर। मतलब भाई आप पता है कैसे आप लोग बात करते हो, सुनिएगा। मान लो कि मेरी फेवरेट है पनीर की सब्जी, ठीक है, तो मैं पनीर की सब्जी बहुत खाता हूं, ठीक है, लेकिन
पनीर की सब्जी एक खराब हो चुकी है, मान लो 3 दिन पुरानी पनीर की सब्जी है, उसमें पिल्लू पनप रहा है, पिल्लू, ठीक है भाई, तो फिर भी मैं पनीर की सब्जी थोड़ी खा लूंगा। अबे पनीर की सब्जी सड़ चुकी है बे, पिल्लू निकल रहे हैं, पिल्लू, बैक्टीरिया, वायरस, साला क्या क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, वो थोड़ी खाऊंगा क्यों। अब ऐसा थोड़ी पनीर की सब्जी मेरी फेवरेट हो तो सड़ा हुआ पनीर की सब्जी खा लूंगा। उसी तरह अगर आपको एक पार्टनर की नीड है, अगर आपको प्यार की जरूरत नीड है, तो ऐसा थोड़ी कि घटिया पार्टनर भी ठूस के बैठ जाओगे, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आगे 50-60 साल तक आपके साथ रहे। किसी के पीछे नाचने की जरूरत नहीं, खुद की वैल्यू रखो। कितने ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट लाइफ में प्यार करते हैं उनकी जॉब नहीं है वही नाचते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो भाई महीने के लाखों कमा रहे हैं, 5-5 लाख, 6-6 लाख, किसी कंपनी के ऑनर तक हैं भाई, वो नाच रहे हैं किसी के पीछे, बताओ। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है वही नाचता है, अच्छे खासे जॉब करने वाले बिजनेसमैन लोग भाई प्यार में तबाह होके भाई अपने पार्टनर का पिछवाड़ा चाट रहे हैं। क्या भाई, क्या लाखों कमा के क्या उखाड़ लिए बताओ। जब आईने में जाते हो, आईने के सामने खड़े होते हो भाई, खुद को देख के शर्म आए, तो भाई लाखों कमा के क्या उखाड़ लिए भाई, मेन चीज पे काम किए ही नहीं, ठीक है। एक डिसीजन बनाइए, पार्टनर अगर सही है ठीक है, थोड़ा भाव मैं भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनर एकदम पीछे नचा रहा, एकदम महीना हो गया, मतलब 6-6 महीने तक बात नहीं कर रहा है, 4-4 महीने तक बात नहीं कर रहा है, क्या ये सब प्यार करेगा भाई। अपनी कमजोरी मत रखो, ठीक है, अकेलापन को दूर करो, अपने अकेलेपन को हावी मत होने दो अपने पे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा नोकझोंक, मन मुटाव चलता है रिलेशनशिप में, लेकिन साला महीनों भर, समझ रहे हो। तो यही था आज का टॉपिक, ठीक है भाई, लाइक कर देना या शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरी शॉर्ट फिल्म जाकर देख लेना। मेरा एक और चैनल है ऑस्कर अनकट गुरु, ठीक है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस देखो उसकी भी, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हाँ, मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो लव टिप्स लेने के लिए, ठीक है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है, जो भी कॉल बुक करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।